दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने की तारीख तय कर दी है। 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे चारों को मौत दी जाएगी। इस फैसले के बाद निर्भया की मां खुश है। उनका कहना है कि अब दरिंदों के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं, ऐसे में सिवाय फांसी के कोई और विकल्प ही नहीं बचता। लेकिन दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि उनके पास अभी भी कानूनी विकल्प बचे हुए हैं, हम समय आने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि वकील एपी सिंह आखिर किस कानूनी विकल्प की बात कर रहे हैं। आइए उस आखिरी विकल्प को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल वकील एपी सिंह का ये आखिरी विकल्प दोषी अक्षय से जुड़ा है। निर्भया के दोषी अक्षय की दूसरी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी गई है। इस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को जवाब तलब भी किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस याचिका की वजह से फांसी की तारीख फिर से टाली जा सकती है। वकील एपी सिंह ने कहा कि अक्षय की पहली दया याचिका तथ्यों के अभाव में खारिज हो गई थी, इसलिए दूसरी दया याचिका लगाई गई। उसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने रिसीव भी किया, लेकिन उसे अभी तक आगे नहीं भेजा गया है। कोर्ट ने इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब भी मांगा है कि आखिर वह दया याचिका कहां पर है। बस वकील एपी सिंह का यही एक हथियार बचा है, जिसके सहारे वो फांसी की लटकती रस्सियों को काट देना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी वो 3 बार दोषियों की फांसी टलवा चुके हैं। अब दोषियों को फांसी देने के लिए 4th बार डेथ वारंट जारी किया गया है, जिसे एपी सिंह दावे के साथ आगे खिसकवाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि निर्भया कांड में 16 दिसंबर 2012 की रात को निर्भया के साथ हैवानियत के बाद 6 कातिलों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं कातिलों की पैरवी करते करते वकील एपी सिंह उनकी 3 बार फांसी की सजा टलवा चुके हैं। टीम खबर अपडेट।